अम्बाला की सेंट्रल जेल आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। दरअसल इस बार जेल के अंदर से नशा और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जेल के अंदर अफीम जो है वो किस तरह से पहुंचाई गई। इस मामले की भनक जब अम्बाला के SP जेल को लगी तो उन्होंने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए इसकी जाँच की, जिसमें खुलासा हुआ कि जेल का ही एक कर्मचारी इस पूरे मामले में संलिप्त है। फिलहाल उस जेल कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जिन लोगों के पास से नशा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जानकारी देते हुए SP जेल ने बताया कि फिलहाल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन जल्द ही 2 और लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली जाएगी। जानकारी देते हुए उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि क्या ये पूरा मामला था, किस तरह से ये मामला उनके संज्ञान में आया और अब उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। मामला हुआ जेल में, कुछ मोबाइल्स भी पकड़े गए और नशे के कुछ जो है SSG परसों कुछ बंदियों से नशा मिला था हमारे को, तो उसकी जो आगामी कार्रवाई में हमारे सामने कुछ नाम आए थे तो उसके ऊपर कार्रवाई करते करते जितने भी अभी तक नशा और फ़ोन पकड़ा गया सबके खिलाफ़ पुलिस कार्रवाई के लिए केस रजिस्टर्ड हुए हैं। सर कितना नशा और क्या पकड़ा गया और कितने मोबाइल पकड़े? 25 ग्राम के आसपास अफीम मिली थी जी, और अब तक 10 फ़ोन मिले हैं टोटल, तो 10 के 10 के खिलाफ हम केस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। 8 के खिलाफ हो चुका है, 2 आज करवा रहे हैं। और इसमें जिसका भी एक एम्प्लॉय का नाम आया था उसको ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई उसके आगे अमल में ला रहे हैं, और जो भी बंदी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ़ भी जो भी नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई बनती है वो भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे।